हेलो स्टूडेंट्स दिस इज़ अमर सर फ्रॉम अमर ट्यूशन क्लासेस सरदार नगर अहमदाबाद आज हम टाइम सीरीज़ का लास्ट लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं सम्स ऑलरेडी हमारे कवर हो चुके हैं इसमें हम थोड़ी सी थ्योरी देखेंगे जो एग्ज़ाम्स में टाइम सीरीज में आती है तो सबसे पहले आपको पूरे के पूरे यूनिट की फार्मूलाज यहाँ पर दी हुई हैं तो फर्स्ट जो हमने मैथड है देखा वो है मैथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स जिसमें हमने ये तीन फार्मूला यूज की फर्स्ट वाई कैप इज इक्वल्स टू ए प्लस बी टी वेयर बी इज इक्वल्स टू एन सिग्मा टी वाई माइनस सिगमा टी सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी होल स्क्वायर ये जो फार्मूला है ये रिग्रेशन जैसी फार्मूला है सिर्फ रिग्रेशन में यहाँ पर टी की जगह एक्स आता है थर्ड इज ए इज इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी टी बार वेयर एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन तो यह था लीस्ट स्क्वायर मैथड के फार्मूला फिर उसके बाद हमने मैथड ऑफ मूविंग एवरेजेस देखा जिसमें थ्री ईयरली मूविंग एवरेज फोर ईयरली मूविंग एवरेज एंड फाइव ईयरली मूविंग एवरेजेस देखे थ्री ईयरली मूविंग एवरेज में हमें थ्री ईयर्स का टोटल करना था और डिवाइड बाय थ्री करना था वो थ्री हो सकता है थ्री ईयर हो सकते हैं थ्री मंथस हो सकते हैं थ्री वीक्स हो सकते हैं तो यहां पे थ्री ईयरली लिखा हुआ है बट अगर क्वेश्चन में मंथ दिया हो तो आप मंथली लिखेंगे थ्री मंथली मूविंग एवरेज और अगर वीक दिया हो तो थ्री वीक्स मूविंग एवरेज फिर उसके बाद है फाइव ईयरली मूविंग एवरेज सेम यहां पर ईयरली दिया हुआ है अगर क्वेश्चन में मंथस हो तो फाइव मंथली मूविंग एवरेज फाइव ईयरली मूविंग एवरेज या फाइव वीक्स मूविंग एवरेज फाइव वीक्स के लिए या फाइव ईयर्स के लिए या फाइव मंथ्स के लिए हमें क्या करना है फाइव मंथ्स का टोटल करना है फाइव ईयर्स का टोटल करना है और डिवाइड बाई फाइव करना है तो ये था थ्री ईयरली ये फाइव ईयरली ना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें मैथड था वो था फोर ईयरली ऊपर थ्री एंड फाइव थे थ्री ईयरली एंड फाइव ईयरली ना फोर ईयरली फोर ईयरली में पहले हमें क्या करना है पहले फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोर्थ इन चारों का टोटल करना है फिर से सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इसका टोटल करेंगे एंड देन हमें क्या करना है वाइज टोटल करना है तो यहाँ पर देखिए फाइंड पेयर वाइज टोटल एज फॉलोज अब ये वाइज टोटल करेंगे और जैसे ही हमें वाइज टोटल मिल जाएंगे सो पेयर वाइज टोटल डिवाइड बाय एट कर देंगे तो हमें फोर ईयरली मूविंग एवरेजेस मिल जाएंगे इसके सम्स आप ऑलरेडी कर कर आए हो इसलिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ आइए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं न कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो वन मार्क में पूछे जाते हैं वन मार्क में पूछे जाते हैं उसमें जो खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो मैं आपके कवर करूंगा क्वेश्चन फर्स्ट स्टेट द इंटरवल रिक्वायर्ड टू नो द ट्रेंड इन एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जो इंटरवल uh, चाहिए वो कितना होना चाहिए आंसर so है टू नो द ट्रेंड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 10 टू 15 ईयर्स टाइम इंटरवल इज रिक्वायर्ड जब भी हमें ट्रेंड कैलकुलेट करना हो तो हमें मिनिमम 10 टू 15 ईयर्स का टाइम रिक्वायर्ड है ज़रूरी है तभी हम ट्रेंड फाइंड कर पाएंगे ऐसा नहीं होगा कि हमने एक साल का प्रोडक्शन देखा और हमें ट्रेंड पता चल जाएगा ये नहीं कर सकते एटलीस्ट 10-15 ईयर्स का टाइम तो हमें चाहिए क्वेश्चन टू नॉर्मल है क्वेश्चन थर्ड कवर कर रहा हूं मैं वॉट इज मीन बाय लॉन्ग टर्म कॉम्पोनेंट द स्लो एंड स्टीडी इन्फ्लुएंस ऑन द वैल्यूज ऑफ द टाइम सीरीज स्प्रेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म कॉम्पोनेंट और लॉन्ग टर्म ट्रेड एक स्लो या स्टीडी जो हम ट्रेंड कैलकुलेट करते हैं और ट्रेंड कैलकुलेट करते वक्त लॉन्ग टर्म कंपोनेंट यूज करते हैं हम मीन्स एक लंबी लंबे टाइम फ्रेम के लिए हम यूज करते हैं ट्रेंड फाइंड करते हैं तो उसे हम लॉन्ग टर्म कंपोनेंट बोलेंगे क्वेश्चन फाइव ले रहा हूँ गिव टू एग्जांपल्स ऑफ सीजनल फ्लक्चुएशंस अब ये टाइम सीरीज में आपने क्या देखा था कि कभी सेल इंक्रीज हो रही थी डिक्रीज हो रही थी उसका ट्रेंड क्या चल रहा है इंक्रीजिंग ट्रेंड है डिक्रीजिंग ट्रेंड है तो यहाँ पर हमें सीजनल फ्लक्चुएशन चाहिए सीजनल फ्लक्चुएशन मीन्स कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि कुछ सीज़न्स में ज्यादा बिकते हैं और फिर सीजन चली जाती है तो उनका जो सेल है वो कम हो जाता है तो आंसर में देखिए क्या दिया हुआ है टू एग्जाम्पल्स ऑफ सीजनल फ्लक्चुएशंस आर एज फॉलोज फर्स्ट डिमांड ऑफ इंक्रीज इन विंटर वुलन आइटम या जो स्वेटर्स हैं उनका डिमांड जो है वो विंटर में इंक्रीज हो जाता है एंड सेकंड इंक्रीज इन द सेल ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स एंड फुटवेयर्स ड्यूरिंग द रिलीजियस फेस्टिवल जब भी फेस्टिवल होता है फॉर एग्जांपल दिवाली है रक्षाबंधन है ईद है तो ऐसे टाइम पर आपने देखा होगा कि रेडीमेड गारमेंट्स का जो बिजनेस करते हैं और जो फुटवेयर का बिजनेस करते हैं उनकी सेल इनक्रीज़ हो जाती है क्योंकि लोग सीजनल परचेज कर रहे होते हैं तो ये दोनों जो एग्जांपल्स हैं ये सीजनल फ्लैक्चुएशंस हैं अगर पर मंथ उनका सेल 10 लैक्स होता होगा तो सीजन में 20 लैक्स होता है 30 लैक्स होता है तो इसे फ्लक्चुएशन कहेंगे फ्लक्चुएशन किसी भी साइड हो सकता है अप साइड भी हो सकता है डाउन साइड भी हो सकता है सो दैट इज सीजनल फ्लक्चुएशन मीन्स सीजन्स आने की वजह से उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं Sale me that is called seasonal fluctuations. Next question number six. In time series, what is called long term fluctuation? Answer: The fluctuation which prevail on the time series for a long period of time is called long term fluctuations or trend. Long term ke path koi fluctuation aaye. Now long term ke path koi fluctuation aaye that means आपने देखा होगा 2008 में एक बहुत बड़े मंदी आई थी बहुत बड़ी मंदी आई थी रिसेशन आया था उसके बाद अभी जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये कोरोना का प्रॉब्लम चल रहा है हम लॉकडाउन में बैठे हैं तो ऐसा कुछ ना कुछ होता है जिसकी वजह से एक लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशंस आ जाते हैं लॉन्ग टर्म मीन्स एक आ, ये जो ये जो प्रॉब्लम आई है इससे हम इतना जल्दी नहीं निकल पाएंगे जब तक इसकी कोई प्रॉपर वैक्सीन ना निकले तो ऐसे में हमें ये लॉन्ग टर्म तक देखने को मिलेगा कि बिजनेसेस जो हैं वो रिड्यूस्ड हो गए हैं सेल जो है वो रिड्यूस्ड हो गई है, है, है और लोगों को प्रॉब्लम हो रही है अपने प्रॉफिट जनरेट करने में तो ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन है जो इतना जल्दी पूरा नहीं होगा हो सकता है साल दो साल पाँच साल और चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन वॉट इज रेंडम वेरिएशन्स द वैल्यूज इन द सीरीज चेंज ड्यू टू सडन एंड अनप्रिडिक्टेबल कॉजेस दीज चेंजेस आर कॉल्ड रेंडम वेरिएशन्स अनप्रिडिक्टेबल मीन्स ऐसा कुछ हो गया जिसका हमने प्रडिक्शन नहीं किया था सोचा भी नहीं था और ऐसा कुछ हो गया और उसकी वजह से जो चेंजेस आए जो वेरिएशन आए उसे हम रेंडम वेरिएबल कहेंगे क्वेश्चन एट व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ शॉर्ट टर्म कंपोनेंट या शॉर्ट टर्म वेरिएशन बोल सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए कौन से वेरिएशन होते हैं तो एक सीजनल सीजनल मीन्स किसी भी सीजन की वजह से सेल इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है जब बारिश होती है तो आपने देखा होगा अम्ब्रेला का जो सेल है उनका इंक्रीज हो जाता है बहुत होता है सीजनल है सेकेंड इज साइक्ल साइक्ल मीन्स एक साइकिल चलता है एट द एंड ऑफ साइकिल सेल इंक्रीज हो जाती है डिक्रीज हो जाती है दैट इज कॉल्ड साइक्लिकल एंड थर्ड इज इरेग्युलर कंपोनेंट इरेग्युलर मीन्स सोचा भी ना हो ऐसा कुछ हो जाए दैट इज कॉल्ड इरेग्युलर फ्लक्चुएशंस क्वेश्चन टेन कवर कर रहा हूं स्टेट द रेस्पॉन्सिबल फैक्टर ऑफ रैंडम और इरेग्युलर फ्लक्चुएशन अब हाँ यहाँ पर हमने जो देखा कि इरेगुलर कंपोनेंट्स कौन से हैं जिसकी वजह से कुछ चेंजेस आ जाते हैं सेल इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है तो वो इरेगुलर फ्लक्चुएशंस ही हैं रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स ऑफ रैंडम और इरेगुलर फ्लक्चुएशंस आर एज अंडर फर्स्ट पॉलिटिकल और क्राइसिस पॉलिटिकली कुछ हो गया इसकी मीनिंग है उथल पुथल उथल पुथल मीन्स एक पार्टी गई दूसरी पार्टी आ गई तो उस वजह से जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं या क्राइसिस आते हैं पॉलिटिकल क्राइसिस सेकेंड इज नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्विक फ्लड्स ड्रॉट या फिर जैसे अभी कोरोना वायरस है तो ऐसा कुछ नेचुरल डिजास्टर आ गया कुदरती हो गया कुछ और उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम्स हो गए थर्ड रैंडम काजेस लाइक फायर एक्सीडेंट स्ट्राइक एक्सेट्रा फायर एक्सीडेंट हुआ या फिर स्ट्राइक कर दी वर्कर्स ने तो ये इरेगुलर फैक्टर्स हैं वर्कर्स स्ट्राइक करेंगे तो पूछ कर नहीं करेंगे फायर एक्सीडेंट होगा तो बताकर नहीं होगा अर्थक्विक होगा तो हमारा प्रिडिक्टेबल नहीं होगा सो so, ऐसा कुछ हो गया जिसके लिए हमने सोचा भी नहीं था और उसकी वजह से हमारी हमारे बिजनेस जो है उसका जो सेल है वो रिड्यूस्ड हो गया तो उसे हम इरेगुलर फ्लक्चुएशंस कहेंगे ये इरेग्युलर फ्लक्चुएशंस लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकते हैं ठीक है सो क्लियर हुआ कि इरेगुलर फ्लक्चुएशंस क्या होते हैं क्वेश्चन इलेवन स्टेट द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ अ टाइम सीरीज टाइम सीरीज के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कौन से हैं तो ये रहे फर्स्ट है टाइम दैट इज टी एंड सेकेंड वेरिएबल क्वांटिटी दैट इज वाइव फिर क्वेश्चन इलेवन था नाउ क्वेश्चन क्वेश्चन ट्वेल्व नॉर्मल है आप रीड कर लीजिएगा नाउ टू मार्क्स क्वेश्चन टू मार्क्स में क्या क्या आते हैं स्टेट द मेरिट्स ऑफ द मैथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर लीस्ट स्क्वायर के मैरिट्स क्या हैं तो ये कुछ मैरिट्स लिखे हुए हैं देखिए मैं हाईलाइट वर्ड यूज कर रहा हूँ दिस मैथड इज एब्सोलेटली एंड एंडह द फ्यूचर एस्टिमेट्स डो नॉट चेंज सब्जेक्टिवली विथ द पर्सन ये एक मैथेमेटिकल इक्वेशन से काउंट किए जाते हैं द ट्रेंड एस्टिमेट कैन बी ऑप्टेंड बाई दिस मैथड फॉर ईच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ टी जो भी आपको टी की वैल्यू दी हुई होगी उसके लिए आप ट्रेंड फाइंड कर सकते हो द ट्रेंड एस्टिमेट कैन ऑल्सो भी ऑप्टेंड फॉर इंटरमीडिएट पीरियड्स एज द ट्रेंड वैल्यूज आर ऑपटेंड यूजिंग एन इक्वेशन इंटरमीडिएट पीरियड्स इंटरमीडिएट पीरियड्स मीन्स सपोज करो ईयर की बात करें तो आप वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे परफेक्ट नंबर लेकर भी कैलकुलेट कर सकते हो लेकिन अगर आपको देखना है कि फोर पॉइंट फाइव ईयर मीन्स डेसीमल आ गया उसमें कि फोर पॉइंट फाइव ईयर में सेल में क्या वेरिएशन आया क्या ट्रेंड है तो वो भी देख सकते हैं देट इज़ कॉल्ड इंटरमीडिएट पीरियड्स स्टिड द लिमिटेशं ऑफ ग्राफिकल मैथड फॉर डिटरमाइनिंग ट्रेंड ग्राफिकल मैथड से क्या होता है कोई कैलकुलेशन नहीं होती है सिर्फ ग्राफ से कर सकते हैं इसलिए कई बार ऐसा होता है कि वो जो ट्रेंड है वो हमें परफेक्ट रिजल्ट नहीं देता यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं होती सो so, लिमिटेशन्स देखें ग्राफिकल मैथड्स के लिमिटेशन क्या हैं इट इज पॉसिबल दैट डिफरेंट पीपल ड्रॉ डिफरेंट कॉज हैंस द यूनिफॉर्मिटी इज नॉट मैंटेन मैंने आपको बताया था जो लाइन ड्रॉ की जाती है वो अंदाजे से की जाती है सो अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग ट्रेंड ड्रॉ करेंगे यूनिफॉर्मिटी मैंटेन नहीं होगी द एस्टिमेट्स कैन नॉट बी एक्यूरेट एस्टिमेट्स जो हैं हमारे वो एक्यूरेट होंगे ही नहीं अगर हमारी ट्रेंड लाइन एक्यूरेट नहीं है तो हमारे एस्टिमेट्स एक्ूरेट नहीं हो सकते एज दिस इज नॉट अ मैथमेटिकल मैथड एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू नो द रिलाइबलिटी ऑफ द एस्टिमेट्स एस्टिमेट्स जो हैं उसकी रिलाइबिलिटी मेनटेन नहीं होगी अगर ट्रेंड प्रॉपर नहीं है तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन थर्ड एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मूविंग एवरेज ये आपको रीड करोगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है मैथड ऑफ मूविंग एवरेज क्या होता है जिसमें हम थ्री uh, फोर या फाइव मंथली या ईयरली मूविंग एवरेज कैल्कुलेट करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए भी कैलकुलेट होता है ये तो ये क्वेश्चन आप खुद रीड करोगे नोट्स आपको ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा और जब भी हमारे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे इसके प्रिंट आउट्स आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन फोर स्टेट द मैरिट्स ऑफ़ द मैथड ऑफ मूविंग एवरेज टू मेजर ट्रेंड्स ये मेरिट्स हैं विथ एडवांटेजेस हैं मूविंग एवरेज के ये भी आप खुद रीड करोगे एक्सप्लेन दी इरेगुलर कॉम्पोनेंट हम जस्ट ऊपर देख कर आए इरेगुलर क्या होता है कि जो हमने प्रिडिक्ट भी नहीं किया हो सो उसमें नेचुरल डिजास्टर्स अर्थक्विक फायर एक्सीडेंट और कुछ क्या हो सकता है यहाँ पर देखिए क्या हल्का हुआ है नेचुरल डिज़ास्टर्स लाइक अर्थक्विक और ड्यू टू द मैन मेड मैन मेड प्रॉब्लम्स कौन से हो सकते हैं लाइक वॉर स्ट्राइक पॉलिटिकल चेंजेस तो ये सब इरेगुलर होते हैं अब किसी कंट्री ने एक किसी एक कंट्री ने किसी दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक कर दिया और वॉर हो गया तो ये प्रेडिक्टेबल नहीं होता है इरेगुलर होते हैं ये कंपोनेंट्स क्वेश्चन नंबर सिक्स नाउ ये लास्ट क्वेश्चन है जो थ्री मार्क में आ सकता है डिफरेंस है और उसके बाद ये चैप्टर पूरा हो जाएगा तो मैं ये डिफरेंस एक्सप्लेन कर रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ध्यान से समझिएगा और ये जो डिफरेंस है ये एक्सप्लेन करने से पहले मैंने लास्ट लेक्चर में भी अनाउंस किया था फिर से मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि हमारा लास्ट लेक्चर होगा और इसके बाद जो भी मेरे लेक्चर्स आएंगे वो मेरी ऐप पर आएंगे ऐप कैसे इंस्टॉल होगी वो मैं आपको बताऊंगा अगर आपको समझना है कि ऐप कैसे इंस्टॉल होगी तो मुझे इस नंबर पर आप कॉल करेंगे जो जिन स्टूडेंट्स ने हमारे इंस्टीट्यूट में हमारे क्लासेस में रजिस्ट्रेशन करवाया होगा और एडमिशन लिया होगा वही स्टूडेंट्स उस ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे और आप जिस नंबर से उसे डाउनलोड करोगे वही लाइफ टाइम चलेगा अगर चेंज करना हो तो वो क्लासेस से करवाना पड़ेगा मीन्स एक स्टूडेंट को एक मोबाइल नंबर ही अलाउड किया जाएगा और उसी मोबाइल नंबर में वो ऐप डाउनलोड होगी और उसी ऐप से आप सारे वीडियोस देख पाओगे मोबाइल नंबर चेंज होगा बट वो क्लासेस से करवाना पड़ेगा आपको और यहाँ से एक्सेस होगा पूरा हमारे पास होगा हम जिसे एक्सेस देंगे वही हमारे वीडियो लेक्चर्स देख पाएंगे सो so ये आज तीन चैप्टर हमारे पूरे हो गए इसे आप डेमो लेक्चर कंसीडर कीजिए और आगे के लेक्चर्स ऐप पर देखेंगे सो so आइए लास्ट क्वेश्चन फिनिश करते हैं हाउ डज सीजनल कॉम्पोनेंट डिफर फ्रॉम द साइक्लिकल कॉम्पोनेंट सीजनल एंड साइक्लिकल कॉम्पोनेंट में क्या फर्क है मीन्स ये चेंजेस हैं सीजनल क्या होंगे हर साल होंगे हर साल विंटर आएगा हर साल समर आएगा हर साल मानसून होगा तो ये सीजनल कंपोनेंट्स हैं इनकी वजह से सेल इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है सो द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द वेरिएबल क्वांटिटी ऑफ वाई वेरिएबल क्वांटिटी ऑफ वाई ऑफ टाइम सीरीज एट फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम इन द ईयर से विंटर समर मानसून इज कॉल्ड सीजनल कॉम्पोनेंट अगर मैं समर की बात करूँ तो समर में आइसक्रीम का जो सेल है वो डबल हो जाता है और कोल्ड ड्रिंक्स का जो सेल है वो डबल हो जाता है और विंटर में क्या होता है विंटर में इनका सेल आइसक्रीम्स एंड कोल्ड ड्रिंक का सेल कम हो जाता है तो ये हर साल होता है सीजनल है सीजंस हैं उनके आते हैं हर साल आते हैं साइक्लिकल कॉम्पोनेंट क्या होगा द फ्लैक्चुएशन अराइजिंग ड्यू टू बूम एंड रिसेशन रिसेशन मीन्स मंदी बूम मीन्स बहुत सारा सेल होना इसे हम समझ कर आए हैं सो बूम एंड रिसेशन और बिजनेस साइकिल्स आर कॉल्ड साइक्लिकल कॉम्पोनेंट कई बार बिजनेस में बहुत सारा बूम होता है बहुत अच्छी सेल होती है रिसेशन हो जाता है मंदी हो जाती है और उसकी वजह से जो चेंजेस आते हैं उसे साइक्लिकल चेंजेस या साइक्लिकल कॉम्पोनेंट्स बोलते हैं पॉइंट नंबर टू रेगुलरिटी रेगुलरिटी इज सीन इन द सीजनल कॉम्पोनेंट सीजनल कॉम्पोनेंट में रेगुलरिटी होती है हर साल सीजन आते हैं जबकि हर साल ये साइक्लिकल कंपोनेंट नहीं होता है ये पाँच साल दस साल पंद्रह साल या बीस साल में एक बार होता है थर्ड पीरियड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सच वेरिएशन इज यूजुअली लेस देन ईयर एक साल के अंदर सारे के सारे जो सीजन्स हैं वो चेंज होते हैं चाहे समर आता है विंटर आता है मानसून आता है तो इनका जो पीरियड होता है वो लेस देन वन ईयर होता है जबकि साइक्लिकल जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका जो पीरियड होता है वो टू टू टेन ईयर्स या टेन टू फिफ्टीन ईयर्स भी हो सकता है सिम्बॉल अब सीजनल को एस टी बोलते हैं और जो साइक्लिकल है उसे सी टी से डिनोट किया जाता है कैलकुलेशन इट इज ईजी टू ऑप्टेन सीजनल कॉम्पोनेंट ये ईजी होता है कैलकुलेट करना क्योंकि हर साल समर होगा या विंटर होगा चेंजेस होंगे हमें पहले से पता होते हैं प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम सो so ये ईजी होता है कैलकुलेशन करना और ये जो साइक्लिकल होता है ये इजी नहीं होगा इट इज़ मैथमेटिकल कॉम्प्लिक मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेटेड टू ऑप्टेंट साइक्लिकल कॉम्पोनेंट ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि रिसेशन का जो पीरियड है वो टेन ईयर्स रहता है एंड ऐसा भी हो सकता है कि कभी एट ईयर्स में ही रिसेशन आ गया एक साइकिल है नॉर्मल साइकिल टेन ईयर्स का है लेकिन एट ईयर्स में रिसेशन आ गया या कई बार ऐसा भी देखा गया है कि वो रिसेशन टेन के बदले ट्वेल्व या फिफ्टीन ईयर्स के बाद आया तो इसे कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है एंड पॉइंट नंबर सिक्स लास्ट द डिमांड ऑफ वुलन इंक्रीज इन विंटर द डिमांड ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स एंड आइसक्रीम इंक्रीज इन समर द डिमांड ऑफ अम्ब्रेलाज और रेन कोट इंक्रीज इन मानसून तो ये देखिए ये साइकिलिकल के एग्जाम्पल्स हैं कि जो समर है वहाँ पर आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड इंक्रीज हो जाती है मानसून में अम्ब्रेला और रेनकोट का डिमांड इंक्रीज हो जाता है जबकि साइक्लिकल चेंजेस में क्या होता है द साइक्ल्स ऑफ बूम एंड रिसेशन वेरिएशन फाउंड इन द टाइम सीरीज ऑफ ट्रेड एंड फिनेशियल मैटर्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ साइक्लिकल कॉम्पोनेंट्स यहाँ पर क्या होगा बूम होगी या रिसेशन होगा उसकी वजह से सेल में जो चेंजेस आ जाते हैं जो वेरिएशंस आते हैं और वो एक लॉन्ग टर्म वेरिएशंस होते हैं तो ये साइक्लिकल एग्जाम्पल्स हैं जैसे आफ्टर टेन ईयर्स जो मैंने आपको लास्ट बताया था 2008 में रिसेशन आया था फिर अभी रिसेशन आने वाला है तो ये सारे के सारे इसके रीजंस हैं सो ये हमने यहाँ पर पूरा किया सेवन पेजेस हैं प्रिंट आउट आपको क्लास में से मिल जाएंगे इसके स्क्रीनशॉट्स शॉट्स में भेज देता हूँ आपको ग्रुप में और बहुत जल्द मिलते हैं हमारी ऐप पर सो नेक्स्ट लेक्चर हमारी ऐप पर देखोगे आप ये लेक्चर मैं यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ